नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, संजय लीला बंसाली, गंगूबाई काठियावाड़ी और अब उनकी वेब सीरीज हीरामंडी आ रही है, इसके बाद में कौन सी फिल्म बनाने वाले हैं, इसके बारे में आप 100% कंफर्म हो गया कि वे बेजू बावरा लेकर आने वाले हैं। 1952 में ये फिल्म आई थी बेजू बावरा, जिसमें भारत भूषण तथा मीना कुमारी प्रमुख भूमिका में थे। और दोस्तों, क्या फिल्म थी, कमाल की फिल्म थी, कितने शानदार इसके गाने थे। नौशाद साहब का म्यूजिक था और मोहम्मद रफी साहब ने ज्यादातर गाने गाए थे। बहुत ही शानदार एक मतलब एक म्यूजिकल फिल्म थी और मैंने भी ये फिल्म देखी है और काफी ज्यादा पसंद मुझे ये फिल्म आई थी। तो ये दो संगीतकारों की कहानी है, बेजू बावरा और दोस्तों तानसेन। बेजू बावरा किस प्रकार से संगीत की प्रतिस्पर्धा में जो अकबर के नौ रत्नों में से एक थे तानसेन, उनको चैलेंज करते हैं, तो इसके बारे में फिल्म थी। काफी जबरदस्त मतलब ये एक फिल्म थी। अब इस फिल्म का एक रीमेक बनाया जा रहा है जिसको संजय लीला बंसाली डायरेक्ट करेंगे। संजय लीला बंसाली दोस्तों फिल्मी दुनिया के बॉलीवुड के उन डायरेक्टर्स में उनका नाम आता है जो अपनी फिल्मी कला में श्रेष्ठता के लिए जाने जाते हैं, कि जिस प्रकार से उनकी फिल्मों के विजुअल्स होते हैं, जिस प्रकार से बड़े कैनवस पर वो फिल्म को उतारते हैं, जिस प्रकार से अपने हीरोइन को पेश करते हैं, जिस प्रकार से अपने कलाकारों को अपने किरदारों को वो पेश करते हैं, जिस प्रकार से फिल्म की कहानी कहते हैं, जिस प्रकार से स्क्रिप्ट होती है और सबसे बड़ा जिस प्रकार से उनकी फिल्मों का म्यूजिक होता है। तो उनको स्वर्गीय श्री राज कपूर जी है, विमल रॉय है, गुरुदत्त साहब है, कमाल अमरोही है, उन तरह उस उन प्रकार की जो फिल्म मेकर हुई है, उन जैसे फिल्म मेकर हुए उनकी श्रेणी में रखा जा सकता है। तो अब उनकी फिल्म आ रही है तो ये भारत की सबसे बड़ी म्यूजिकल मूवी हो सकती है, सबसे बड़ी म्यूजिकल, क्योंकि इसके बारे में कुछ डिटेलिंग आई है। पहले डिटेलिंग तो ये है कि बेजू बावरा का जो टाइटल रोल है, जो बेजू का रोल, वो डेफिनेटली रणवीर सिंह करने वाले हैं। ये अब लगभग कन्फर्म हो गया, 99% कन्फर्म है। और उनका जो लव इंटरेस्ट है उसका रोल आलिया भट्ट करेगी, ये भी लगभग कन्फर्म है। अब रही बात तानसेन की, तो तानसेन के रोल के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि तानसेन का रोल यहाँ पे कौन निभाने वाले है। इसके बारे में कई नामों की चर्चा है। अब इसमें एक नाम अभिषेक बच्चन का भी आ रहा है कि शायद तानसेन के रोल में अभिषेक बच्चन को लिया जाएगा, लेकिन अभी ये न्यूज ऑफिशियली कन्फर्म संजय लीला बंसाली के द्वारा नहीं की गई है। और कौन कर सकता है, पहले स्टार्टिंग में खबर आई थी कि अजय देवगन बेजू का रोल निभाने वाले हैं, 100% ये कन्फर्म था। संजय लीला बंसाली ने यह भी कही थी कि अगर बेजू का रोल कोई निभा सकता है तो अजय देवगन ही होंगे। फिर बीच में खबर आई थी कि रणवीर कपूर निभाएंगे और एक दो बार शाहरुख खान के बारे में भी यह खबर सुनने को मिली थी कि शाहरुख खान बेजू बनने वाले हैं, लेकिन अब लगभग कन्फर्म है कि रणवीर सिंह ही बेजू का रोल करेंगे, नहीं तानसेन का रोल कौन करेंगे, बाकी स्टार कास्ट क्या होंगे, इसके बारे में जल्दी ही खुलासा हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों एक अभी सामने आया कि इस फिल्म में 11 गाने होंगे, 11 गाने, और गानों को इतना बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये गाने बनाए जाएंगे। और कहा जा रहा है कि यह भारत की सबसे बड़ी म्यूजिकल फिल्म होगी, क्योंकि दोस्तों 11 गाने का मतलब आप जानते हैं। और साथ में संजय लीला बंसाली का ये भी कहना है कि नौशाद साहब जैसे संगीतकार तो मैं ला नहीं सकता, ना ही रफ़ी साहब जैसे सिंगर, लेकिन फिर भी जितना भी टैलेंट हमारे पास इस समय मौजूद है उस टैलेंट को मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक इस्तेमाल करूँ और बहुत बेहतरीन से बेहतरीन मधुरता से भारतीय शास्त्रीय संगीत से भरपूर संगीत युक्त आपको गाने प्रदान कर सकूँ। तो बेजू बावरा के बारे में जल्दी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी, पूरी स्टार कास्ट की अनाउंसमेंट हो जाएगी, जल्दी ही फिल्म की ऑफिशियली घोषणा हो सकती है और फिल्म शुरू हो सकती है। साथ ही साहिल लुधियानवी बायोपिक पर भी संजय लीला बंसाली इस समय काम कर रहे हैं, जिसमें टाइटल रोल साहिल लुधियानवी का अभिषेक बच्चन प्ले करेंगे। ये तो लगभग 100% ही कन्फर्म है। फिलहाल इतना ही। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।